हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मगराज बिल स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल मगराज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि लेथ मशीन की टेपर कैसे सेट करें। लेथ मशीन जो कोई भी टर्न करते हैं या बोर करते हैं तो वो टेपर काटता है, उसकी टेपर को हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इस बारे में बहुत से कमेंट आए थे, पर इसमें दो कमेंट मैंने चूज किए हैं। एक कमेंट है यूट्यूब का और दूसरा कमेंट है फेसबुक का। तो फेसबुक का कमेंट है सुजवाल पुरिया एग्रो वर्क्स, ये कोई एग्रीकल्चर लाइन से है। वो लिखते हैं, सर हमारी खराद मशीन जॉब टेपर करती है, सेंटर से जब जॉब को टूल लगाते हैं तो चक की तरफ जाते हुए जॉब को ओवरसाइज यानी मोटा कर देती है, इसका क्या कारण है? तो इस वीडियो में हम ये कारण जानेंगे। और दूसरा कमेंट है वो यूट्यूब से लिया है, नवदीप लिखते हैं, जब लेथ मशीन पर किसी जॉब को बोर करें उसका साइज आगे का कुछ और पीछे का कुछ और होता है, इसका प्रॉब्लम। अब भाई प्रॉब्लम तो ये है, इसका सॉल्यूशन उनको चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लेथ मशीन टेपर सेट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे यूट्यूब, डेली मोशन, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पिंट्रेस्ट पर फॉलो कर लें। वहाँ पर भी मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमने लेथ मशीन के डॉग चक में जॉब पकड़ रखा है, तो इसको हम टर्न करेंगे। तो लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब यहाँ से टर्निंग शुरू करते हैं तो पीछे जाके कई बार ये माइनस में हो जाता है, मतलब साइज डाउन हो जाती है, और कई बार ये पीछे जाके साइज प्लस में हो जाती है। यहाँ पे साइज, यहां से जो साइज है उसका यहाँ प्लस में हो जाता है, भारी हो जाता है, तो कई बार माइनस में हो जाता है, कई बार प्लस में हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन हम आज इसमें करेंगे। तो पहले हम इसको टर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हमने टर्निंग कर ली है, अब हम इसको समझते हैं। ये हमारी टर्निंग हो गई 5-6 इंची लंबी, जो भी आपको टर्निंग करनी है। अब यहां से हमने कट लगाया है, मान लो 80 mm किया है, और यहां पे जाके यहां पे हो गया है माइनस, समझ गए, इस तरफ माइनस में हो जाता है। यहां से टर्निंग किया उस साइज से यहां पे डाउन हो जाता है, यहां पे माइनस हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं। तो ये हमारा जो हेड स्टॉक है, चलिए हम कैमरे को इधर ले लेते हैं। ये हमारा मशीन का हेड स्टॉक है, ये चक है, ये जॉब है। तो ये जो हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक के नीचे यहाँ पर ये चार बोल्ट होते हैं, दो इस तरफ होते हैं और दो उस पीछे की तरफ होते हैं, उस तरफ। ये देखते हैं हम, ये है बोल्ट, ये बोल्ट, ठीक है, ऐसा ही बोल्ट, ये यहाँ पर एक और है, और ठीक ऐसा ही बोल्ट इसके सामने है, जिस तरफ ये देखिए, इसके पीछे की तरफ ये देखिए, ठीक है, एक उधर है, वो रहा, नजर आया। तो ये चार बोल्ट होते हैं, ये हेड स्टॉक के नीचे से इसको क्लैंप करके रखते हैं बेड पे, हेड स्टॉक को। ये जॉब पीछे की तरफ माइनस आ रहा है ना, माइनस में, यहाँ पे जो साइज के उससे यहाँ डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, को हम अपनी तरफ खिसकाएंगे, समझ गए, इस जॉब को, हेड स्टॉक को हम अपनी तरफ खिसकाएंगे, हेड स्टॉक को हम अपनी तरफ खिसकाएंगे ना, तब ये पीछे वाला माइनस को ये आगे से कट लगेगा, तो ये पीछे वाले के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। इस जॉब को हम अपनी तरफ खिसकाएंगे, अपनी तरफ हेड स्टॉक को, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ये नीचे बोल्ट दिए हुए हैं, ये देखिए हेड स्टॉक के नीचे, ये देखिए चक है, चक के नीचे जो ये दिया हुआ है, ये दो बोल्ट दिए हुए हैं, तो ये वाले जो बोल्ट है इनको पहले हल्का लूज करके फिर इसको है ना, इस बोल्टों को सेटिंग की जाती है। तो उसके लिए पहले क्या, हमको यहां पर एक निशान लगाना पड़ेगा,
यहाँ पर हमें एक एक निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये जॉइंट है ना, इस जॉइंट पे हमें एक ऐसा निशान लगाना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके, देख रहे हो वो निशान, ताकि हमें ये पता चल सके ये किस तरफ खिसक रहा है, ये उस तरफ जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है या इस तरफ आ रहा है अपनी तरफ। तो सबसे पहले हमें ये निशान लगा के निशान लगाना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हेड स्टॉक किस तरफ खिसक रहा है। तो ये पीछे से डाउन आ रहा है तो हेड स्टॉक को क्या अपनी तरफ खिसकाना पड़ेगा, हेड स्टॉक है ना, इसको अपनी तरफ खिसकाना पड़ेगा इस तरफ। हमारा जॉब चक की तरफ माइनस में आता है तो ये हेड स्टॉक है जो हमारी तरफ, जहाँ ये एरो का निशान है उस तरफ खिसकाना पड़ेगा, ठीक है, हमारी तरफ इसको खिसकाना पड़ेगा हेड स्टॉक को। ये वाला बोल्ट है इसको हमें लूज करके आगे वाले बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा, तब ये हेड स्टॉक हमारी तरफ खिसकेगा, समझ गए। ये वाला बोल्ट लूज करके आगे वाले बोल्ट को टाइट करेंगे तो हेड स्टॉक हमारी तरफ खिसकेगा, ओके। और जब हेड स्टॉक हमारी तरफ खिसकेगा तो जॉब का जो टूल कट मारेगा वो आगे की तरफ मारेगा ना कि चक की तरफ, तो ये दोनों साइड बराबर कर लेगा, आगे से और पीछे से दोनों साइज बराबर कर लेगा, ओके। जब कोई जॉब चक की तरफ प्लस में आता है तो हेड स्टॉक को हमें आगे की तरफ खिसकाना होगा, जिस तरफ ये मोटर लगी है, तो उसके लिए हमें ये वाला बोल्ट लूज करके ये वाला बोल्ट टाइट करेंगे तब ये हेड स्टॉक आगे जाएगा, समझे। ये वाला बोल्ट लूज करके ये वाला टाइट करेंगे ना तब हेड स्टॉक आगे जाएगा, तो हमारा जॉब दोनों तरफ से बराबर टर्न होगा। यह जरूरी नहीं है कि यह सेटिंग एक ही बार में हो जाए, इसके लिए हमें 2-3 बार इसको खोलना कसना पड़ेगा, ठीक है। चक में पकड़ कर हम टर्न करते हैं तब तो इस हेड स्टॉक से उसकी टेपर सेट होती। लंबा जॉब है, सेंटर टू सेंटर है या चक से सेंटर में क्लैंप है, तो उसके लिए हमें यहाँ से टेल स्टॉक से उसकी टेपर सेट करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम पहले। ये हमारा टेल स्टॉक है, ठीक है, ये जॉब लगा हुआ है, ये हमारा टेल स्टॉक है। इस टेल स्टॉक में ये जिसकी जो टेपर सेट करने के बोल्ट ये है, एक बोल्ट ये है और इसका दूसरा बोल्ट है इस तरफ, ये जिस तरफ हम खड़े होकर काम करते हैं ये दूसरा बोल्ट इस तरफ है, ये दूसरा बोल्ट। इसका जो टेल स्टॉक का जो क्लैंपिंग बोल्ट है वो ये है, ये बोल्ट, और सेटिंग बोल्ट है, टेपर सेटिंग बोल्ट है, ये है सेंटर है। यहाँ पर टेल स्टॉक है, इस टेल स्टॉक में हमें यहाँ पर एक मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग करने के बाद हमें इस ये बोल्ट को खोलना पड़ेगा। फिर अब कोई जॉब सेंटर टू सेंटर है या चक टू सेंटर है और वो हेड टेल स्टॉक की तरफ प्लस में आता है तो ये जो हमारा टेल स्टॉक है ये हमारी तरफ खिसकाना पड़ेगा। ये हम एरो का निशान लगा देते हैं, ये हमारी तरफ खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। वो टेल स्टॉक की तरफ जॉब प्लस में आता है तो एरो की दिशा में हमारी तरफ खिसकाना पड़ेगा। यहाँ पर एक निशान लगाना जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि ये सेंटर किस तरफ खिसक रहा है, टेल स्टॉक किस तरफ खिसक रहा है। तो प्लस में आता है तो ये टेल स्टॉक हमारी तरफ खिसकाना पड़ेगा, जिस तरफ हमने एरो लगाया है उस तरफ खिसकाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये दो बोल्ट हैं, ये वाला बोल्ट लूज करके, चलो मैं आपको नजदीक से बता देता हूं, ये वाला बोल्ट है ना, इसको लूज करके ये सामने वाला हमारी तरफ वाला बोल्ट है इसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है। ये एक बार में जरूरी नहीं है कि एक बार में ये सेटिंग हो जाए, इसके लिए हमें 2-3 बार सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये जो भी जॉब है वो दोनों साइड से 0-0 हो जाएगा, उसकी टेपर खत्म हो जाएगी, ओके। अब मान लो कोई भी लंबा जॉब है और वो टेल स्टॉक की तरफ माइनस में आता है, ठीक है,
कोई भी लंबा जॉब टेल स्टॉक की तरफ माइनस में आता है, तो ये हमारा जो टेल स्टॉक है, इस टेल स्टॉक को हम एरो की दिशा में आगे की तरफ घूम खिसकाएंगे। तो इसके लिए हमें ये वाला बोल्ट लूज करके ये वाला बोल्ट टाइट करना पड़ेगा, पीछे हमारी तरफ वाला बोल्ट लूज करके आगे वाली साइड का बोल्ट टाइट करना पड़ेगा, तब ये हेड स्टॉक उस तरफ खिसकेगा और हम उससे टेपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक बार करने से ही ये टेपर सेट हो जाए, उसके लिए हमें दो तीन बार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दो तीन बार ये सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी टेपर सेट होगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।